हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो F27 प्रो डिवाइस के अंदर आप बैटरी पावर सेव कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में बैटरी पावर सेव कैसे करेंगे, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे होता है दोस्तों, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं या कोई मूवी देखने लगते हैं तो जो आपका बैटरी है जल्दी लो हो जाता है। अगर आपको कहीं ट्रेवल करना है, आपका जो ट्रेवल सफ़र है वो ज़्यादा टाइम का है, 12 घंटा 24 घंटा, इस तरह में क्या होता है जो आपका बैटरी अगर कम चार्ज है या चार्ज भी है तब भी आपको एक टेंशन होता है कि जो हमारा बैटरी है लो हो जाएगा, हम इसको चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि सफ़र में अक्सर करके चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में एक छोटा सा सेटिंग है उसको इनेबल करना है और जो आपका बैटरी बैकअप है कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर 4 घंटे आपका जो बैटरी चलने वाला है तो लगभग 8 घंटे तक चल पाएगा, या आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, आपको 12-14 घंटा या 24 घंटा का सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आपका बैटरी लगभग 12 घंटे एवरेज देती है तो वो 24 घंटे तक चल पाएगा। और कैसे चलाएंगे उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक छोटा सा सेटिंग है, बस उसको इनेबल करना है और इसके बाद जो आपका बैटरी बैकअप है वो 2 गुना से भी ज़्यादा रहेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से उस सेटिंग को इनेबल करते हैं और अपने बैटरी पावर को सेव करते हैं। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम यहां पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहां पे ओपन हो जाता है, इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है और थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी का, तो आपको बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके बैटरी का सेटिंग है यहाँ पर आ जाएगा और कितना चार्ज है आपका बैटरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होगा और नीचे में कुछ सेटिंग भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर सेविंग मोड, यहाँ पे ऑप्शन है पावर सेविंग मोड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे पावर सेविंग मोड, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आता है उसके आगे में, तो आपको उसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपके फ़ोन में बैटरी पावर सेव होने लग जाएगा, जो आपका बैटरी पावर है वो सेव होने लग जाएगा। अगर आपका बैटरी 4 घंटे चलने वाला है तो लगभग 8 घंटे तक चल पाएगा। अगर कहीं पे आप सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस टाइम में आप अगर इसको इनेबल कर लेते हैं तब भी जो आपका बैटरी बैकअप है बहुत ज़्यादा आएगा। ज़्यादा करके आप अपने फ़ोन में जब अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तब आप इसको इनेबल करेंगे, तब भी जो आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी अच्छा है। अगर 4 घंटे आपका फ़ोन चलने वाला है तो 8 घंटे तक चला पाएंगे अपने फ़ोन को। नीचे आपको मिलता है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड व्हेन द चार्जिंग बैटरी इज चार्ज। दोस्तों, जैसे होता है हम अपने फ़ोन में बैटरी सेवर को इनेबल करके रखे हैं या जो पावर सेविंग है इसको हम इनेबल करके रखे हैं और उसी टाइम में हम अगर हम अपने फ़ोन को चार्ज लगाएंगे तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। उसको इनेबल रहने के लिए आपको इस बटन को इनेबल कर लेना है। आप अपने फ़ोन को चार्ज लगा देंगे जब तक आपका फ़ोन 90% तक चार्ज नहीं हो जाएगा, जो आपका पावर सेविंग मोड है वो ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे आपको मिलता है लो मोड सेटिंग करने को, आप यहाँ से लो मोड सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं आपको याद नहीं रहता कि जो हमारा बैटरी है वो लो हो चुका है और हम अपने फ़ोन को कुछ हिसाब से यूज़ करें, ऐसे टाइम में अगर यहाँ पे आप लो मोड लगा देते हैं तो यहाँ पे जैसे 45% है, अब हमारी जो बैटरी है डिस्चार्ज होकर जैसे यहाँ पे 45% पे आएगी ऑटोमेटिक जो हमारा पावर सेविंग मोड है वो इनेबल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और जब हमारा पावर सेविंग मोड इनेबल हो जाएगा वहीं से हमारा जो बैटरी है वो सेव होने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिक होगा। अगर इससे भी ज़्यादा आपको अपने बैटरी को सेव करना है, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका बहुत लंबा सफ़र है 24 घंटे या 30 घंटे या 36 घंटे का, ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे अपने बैटरी पावर के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आपको 36 घंटे का सफ़र करना है 30 घंटे का सफ़र करना है और आपका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है 8 से 10 घंटे का आएगा, तो इस चीज़ को आप चाहते हैं कि 36 घंटा तक चले या 30 घंटा तक चल पाए हमारा जो बैटरी है, तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है यहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड को इनेबल कर लेना है। क्योंकि ज़्यादा करके हम ट्रेवल में अपने फ़ोन को कम यूज़ करते हैं या कम यूज आप करेंगे और वहाँ पर आपको क्या करना है सुपर पावर सेविंग मोड लगा के अपने फ़ोन को रखना है। आप फ़ोन करेंगे 2-4 एप्लीकेशन उसके अंदर यूज करेंगे और ज़्यादा चीज़ आप सुपर पावर सेविंग में यूज नहीं कर पाएंगे, आपका नॉर्मल फ़ोन चलेगा, आपके फ़ोन में सब कुछ रहेगा, कोई चीज़ डिलीट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा नॉर्मल में वहाँ पे आएगा और आपका जो बैटरी वहाँ पे ज़्यादा सेफ होगा। तो इसमें होगा क्या,
जैसे आपका जो सुपर पावर मोड है इनेबल हो जाएगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कम एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। आपका जो डिस्प्ले है वो डार्क कलर का रहेगा, और ज़्यादा करके इसको लोग यूज करते हैं सोने के टाइम, जब आप सोए हैं या आप अपने फ़ोन में कॉल वॉल लगाएंगे, ये सब चीज़ आप यूज करेंगे, तो वैसे टाइम में आप सुपर पावर सेविंग मोड इनेबल करके यूज कर सकते हैं, और जो आपका बैटरी बैकअप है बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपका बैटरी 6 घंटे 8 घंटे चलता है, तो आप उसको 30 घंटे तक, 35 घंटे या 36 घंटे तक चला पाएंगे। तो चलिए इसको इनेबल करते हैं, इसके बाद देखते हैं। जैसे इसको इनेबल करते हैं, यहाँ पे टर्न ऑन करना है, और इसके बाद इस तरह से आपका फ़ोन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके डिस्प्ले पे कुछ एप्लीकेशन आ जाते हैं। यहाँ पे 6 एप्लीकेशन आपको यूज़ करने को मिलता है, इन 6 एप्लीकेशन को आप यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन कुछ नहीं है जो आपके यूज एप्लीकेशन में ज़्यादा आते हैं या जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे प्लस वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन को ऐड करना है। जैसे हमारा जो फ़ोन डायलर है यहाँ पे नहीं है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, फ़ोन डायलर आ गया। इसके अलावा दूसरे में कुछ ऐड करना है, तो यहाँ से आप कुछ दूसरा भी ऐड कर सकते हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हम फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फेसबुक को यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप को कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने व्हाट्सएप को कर लिए, अब ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, ये हमारे ज़्यादा यूज होने वाले एप्लीकेशन हैं। इन चीज़ों को हम अपने सुपर पावर सेविंग मोड के जरिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे इनेबल किए, ये हमारा जो सुपर पावर सेविंग मोड में है ये इनेबल हो रहा है। ये कहाँ से फ़ोन लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, व्हाट्सएप भी इनेबल होगा, फेसबुक भी इनेबल होगा, यूज भी होगा। तो इस तरह से आप इसको सुपर पावर सेविंग में इनेबल करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो बैटरी है बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अब इस मोड से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे एक्सिट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सिट सुपर पावर सेविंग मोड, आपको इस पे क्लिक करना है, और आप सुपर पावर सेविंग मोड से बाहर आ जाएंगे, फिर से अपने फ़ोन को पहले की तरह यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में बैटरी पावर सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।